नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी। क्लास सेवेंथ की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण में अपना सेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हमने हिंदी व्याकरण में अपने भाषा लिपि और व्याकरण में जो हमने हमारे जो पार्ट थे वो चार चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो उसमें हमने वर्ण विचार जो अपना टॉपिक था जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं वो हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने आपका एक कॉमन सा टॉपिक यहाँ पर लिया था संज्ञा, तो संज्ञा टॉपिक भी हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। और आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग दो को। तो देखिये, ये हमारे सेशन की शुरुआत है, यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं अपने वसंत पाठ्य पुस्तिका से। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला पार्ट, पहला अध्याय हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो देखिए, ये जो आपकी बुक है वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग दो, इसमें आपके गद्य और काव्य खंड दोनों ही विधाएं हैं। यानी कि आपके गद्य खंड जिसमें आप कहानियां पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, यात्रा वृतांत पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। और दूसरा आपके काव्यखंड जिसमें आप कविताएं पढ़ते हैं, शायरियां पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं या और भी बहुत सारी चीजें। तो ये जो आपकी बुक है इसमें आपको दोनों चीजें, दोनों ही चाहे गद्यखंड से रिलेटेड चैप्टर हो चाहे काव्यखंड से जुड़े हुए पाठ हो, वो दोनों ही आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला ही चैप्टर यानी कि जो पहला पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग दो का, वो है एक कविता जो शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। तो ये एक कविता है पंछियों के विषय में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षियों के विषय में ये कविता है। तो देखिए, उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आकाश। तो यहाँ पर कवि ने अपनी इस कविता में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है, किस तरह से स्वतंत्रता का महत्व, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, किसी भी इंसान के लिए कितना ज्यादा होता है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है इस पक्षी के माध्यम से, इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से, कि वो क्या कह रही है। क्यों इस कविता का नाम रखा गया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुला आकाश। तो ये जो पूरा आकाश है ये पक्षियों ने कहा अपने लिए कि हम खुले आकाश में रहने के लिए बने हैं, हम तो खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं, अर्थात हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी है। हमारी स्वतंत्रता के बदले आप हमें चाहे कुछ भी दे दें वो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये एक छोटी सी कविता यहाँ पर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी सी कविता है और काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें इस कविता में समझने को मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के महत्व को ये कविता बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पक्षियों के लिए उनका जो आकाश है, उनका जो खुला आकाश है वही ज्यादा उन्हें पसंद होता है। तो क्या कहती है ये छोटी सी चिड़िया एक, कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पंछी, पंछी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। ये जो कविता है इसमें आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। जैसे शुरू करते कविता को, पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक एक शब्द का यहाँ पर मैं आपको कठिन शब्द का अर्थ भी बताऊंगी और एक एक पंक्ति का प्रॉपर सप्रसंग भाव अर्थ भी आपको क्लियर करूंगी। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कितनी सुंदर पंक्तियों से सजाया है इस कविता को शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा। और देखिए, मैं बार बार कविता के कवि का नाम ले रही हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि आपको इस कविता का और इसके कवि यानी कि जो शिव मंगल सुमन सिंह सुमन जी है उनका नाम आपको याद होना चाहिए।
जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे जो पहला प्रश्न आता है किसी भी काव्यांश से जुड़ा हुआ, वो आता है आपको कवि और कविता का नाम लिखना है या पाठ और उसके लेखक का नाम लिखना है। तो अगर आप गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो आप पाठ और उसके लेखक का नाम, और अगर आप काव्य खंड पढ़ रहे हैं तो कविता और कवि का नाम आपको सबसे पहले याद करना है शुरुआत में ही। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको यहाँ पर बताया इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो देखिए, हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद नगा पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक तील कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो देखिए इतनी प्यारी पंक्तियां इसमें लिखी गई हैं। तो देखिए पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं पक्षी, कवि ने पक्षियों के माध्यम से यहाँ पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम जो पक्षी हैं हम उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त का अर्थ क्या, पंछी का अर्थ देखिए चिड़िया, पंछी का अर्थ है चिड़िया, तो जितनी भी चिड़िया है जितने भी पक्षी है वो क्या कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं, हम क्या है उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं, उन्मुक्त अर्थात खुले आसमान में उड़ने वाले, खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हम पक्षी हैं। और क्या कहते हैं गगन अर्थात आकाश, पिंजर बंद नगा पाएंगे, पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में बंद होकर। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है, कई लोग पक्षियों को एक तरह से उनको खाने के लिए उनको एक तरह से कैद करते हैं, एक किसी को शौक होता है कि वो पक्षियों को क्या करते हैं पालने का शौक होता है तो तब भी वो उन्हें पिंजरे में बंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, किसी की स्वतंत्रता को छीन लेना, किसी की आजादी को छीन लेना, देखिए इसका जो इसकी जो वैल्यू है शायद इसका जो महत्व है ये तब हमारे लोगों को पता चला होगा जब हमारा देश जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, किस तरह से हमें एक भी चीज कोई भी काम अपनी मर्जी से करने का कोई हक नहीं था, कभी भी हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, कुछ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, खुद अपने खेतों में हम अपनी तरह का अनाज अपनी मर्जी से नहीं उगा सकते थे, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारे हमारे लिए अवरोध थे जो लगाए गए थे हम पर। तो देखिए इसके महत्व को शायद उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा समझते होंगे, तो किस तरह का कष्ट होता है, किस तरह का दुख होता है जब एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं पक्षी यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से कवि कि हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, अर्थात पिंजरे में बंद होकर, पिंजर बंद पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कब गाते हैं जब वो स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में जब वो उड़ रहे होते हैं तो उस समय पर वो गाते हैं, या खुले जो सघन वन है उस वन में जहाँ चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ खूबसूरती है, सुंदरता है, सन्नाटा है, वो एक निर्जन वन वहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर भी कोई रोक टोक नहीं होती उनको कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की। तो वो कहते हैं कि पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम अपना गाना नहीं गा पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे, हम चहचहा नहीं पाएंगे। दूसरी देखिए पंक्ति, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, जो हमारे ये पुलकित पंख है, पुलकित अर्थात जो अभी अभी नए नए सुंदर सुंदर जो पंख निकले हुए हैं, ये कनक तीलियों से, कनक तीलियां अर्थात जो एक पिंजरा है उस पिंजरे पर लगी हुई जो तीलियां हैं, जो
पिंजरे पर लगी हुई जो तीलियां है, पिंजरा किस रंग का है? गोल्डन कलर का है, सोने के रंग के उसकी तीलियां है, पीले पीले रंग की, स्वर्ण रंग की उसकी तीलियां है। तो वो कहते हैं कि पिंजर बंद न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, और हम वहां पर अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना ज्यादा फड़फड़ाएंगे, इतना ज्यादा फड़फड़ाएंगे कि उन कनक तीलियों से, जो पिंजरे की जो तीलियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की तीलियां लगी हुई हैं पिंजरे में, पतली पतली सी तीलियां, और वो कहते हैं कि उन पतली जो कनक तीलियां हैं, जो सोने के रंग की जो तीलियां हैं, उन तीलियों से टकरा कर, क्योंकि जब हम उसके अंदर बंद रहेंगे तो हम फड़फड़ाएंगे अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो उस टाइम पे हमारे जो पंख हैं उन तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। अभी सुंदर सुंदर जो पंख निकले हुए हैं वो पंख टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले पक्षी, कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो जो आकाश के बीचों बीच, आपने क्लास सिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने अभी देखिए आप क्लास सेवेंथ की फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जब आपने पिछले साल क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने एक नन्ही सी चिड़िया के बारे में पढ़ा है जो बहुत ज्यादा साहसी है, और वो नदी के बीचों बीच जाकर जल का मोती ले आती है। तो बिल्कुल वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम तो नदी के बीचों बीच जाकर उसका दिल टटोलने वाले हैं, तो हम ये पिंजरे के अंदर बंद होकर खा पी नहीं पाएंगे, हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम ये पिंजरे के अंदर बंद होकर ये कटोरी में रखा हुआ जल नहीं पी पाएंगे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और इसी तरह से हम यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। सही भली है कटुक निबोरी, एक छोटी सी चिड़िया देखिए क्या यहाँ पर कह रही है कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली यानी कि इससे तो बहुत अच्छी है वो कटुक निबोरी, वो कड़वा नीम का बीज जो वन में हमें खाने को मिलता है, क्योंकि वन में तो आप देखेंगे बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनको क्या करते हैं, जिनको पशु चिड़िया पक्षी वहां के जितने होते हैं वो सब खाते हैं। तो चिड़िया कहती है कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से बने अलग अलग तरह के पकवान। आपने देखा होगा आजकल भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है मैदे से बने हुए अलग अलग पकवान, पिज्जा, मोमोज, नूडल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो ज्यादातर हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जंक फूड जो है वो ज्यादातर मैदे से बनता है, और लेकिन खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, बच्चों को वही ज्यादा ललचाता है, बच्चों को समोसे, जलेबी, कचोरी, और आजकल के जो चाइनीज फूड है सभी आप देखेंगे कि वो मैदे से ही बनते हैं और टेस्टी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही यहाँ पर एक जो ये चिड़िया है इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं, कही भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से, भले ही मेरे पास खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा नहीं है, मुझे वो वन में नीम की कड़वी निबोरी खानी पड़ती है, लेकिन वो कहीं ज्यादा भली है इस सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से बने हुए अलग अलग पकवानों से, क्योंकि मैं इन पकवानों से ज्यादा मेरे लिए मेरी स्वतंत्रता महत्व रखती है, मेरी आजादी महत्व रखती है, मुझे ये पकवान नहीं चाहिए। तो बिल्कुल देखिए कठिन शब्द यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, ये जो काव्यांश है हमारा पहला ये यहाँ पर क्लियर होता है। इसमें जो कठिन शब्द है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको बताया पंछी यानी कि चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो सकती है, चिड़िया का झुंड हो सकता है, उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र या खुला हुआ, गगन अर्थात आकाश, पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में बंद होकर, कनक तीलियों अर्थात जो सोने की सलाखें हैं, ये सोने का पिंजरा है और उस पर सोने की सलाखें बनी हुई है, पुलकित अर्थात जो
नए नए निकले हुए पंख हैं और वो खुशी से फड़फड़ा रहे हैं कि अब मैं उड़ना सीख रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। वो खुशी से फड़फड़ा रहे हैं और कटुक अर्थात कड़वी निम्बोरी अर्थात नीम का फल, कनक अर्थात सोना, कनक कटोरी सोने की कटोरी। तो देखिए इस तरह से पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर होता है और ये महावर्थ मैंने आप लोगों को क्लियर यहाँ पर कर दिया है इसका, और इसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर करेंगे। सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आप क्या लिखते हैं, प्रसंग में आप लिखते हैं सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया है कि गुलाम अगर आप हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आपको अपनी मर्जी से कोई काम करने की आजादी नहीं है, तो फिर ये तो एक बहुत एक तरह से स्वतंत्रता यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं है तो उसी के तो को यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी भावार्थ क्लियर हो गया है। अब सब प्रसंग इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी इन पक्षियों के माध्यम से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पक्षियों का जो स्वभाव है, पक्षियों की ये स्वाभाविक विशेषता है, जब वो जन्म लेता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, जब वो पंख उसके लगते हैं तो सबसे पहले वो उड़ना ही सीखता है। ठीक है, तो ये उनकी स्वाभाविक विशेषता है कि वो खुले आकाश में विचरण करें, लेकिन अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे गा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे? क्योंकि वो गाते तभी है जब वो खुश होते हैं। और वो खुश कब होते हैं? वो खुश होते हैं अपने खुले आकाश में जब पंख फैलाते हैं, उस टाइम पे वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र रूप से जब उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी भी खुश नहीं होते, इसीलिए वो गा नहीं पाते हैं। और हम उन्हें अगर सोने के पिंजरे में भी रख दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उल्टा वहां पर वो अपनी आजादी के लिए फड़फड़ाते फड़फड़ाते कहीं अपने पंख ही ना तोड़ लें। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तो नदियों का झरनों का बहता हुआ जल पीने की हमें आदत है, हम तो नदी का चढ़ी नदी का दिल टटोलते हुए उससे जल का मोती निकाल लेते हैं। देखिए ये सुंदर पंक्तियां किस तरह से कनेक्ट हो रही है एक क्लास से दूसरी क्लास की कविता में, कि हम तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आते हैं, यानी कि हम तो उफनाती हुई नदी में जाकर भी अपने लिए एक जल का मोती ले आते हैं। तो ये मैदे की जो सोने की कटोरी में रखा हुआ जो पानी है, जो खाना है, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें यहाँ पर जो पिंजरे में रखा हुआ पानी है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें यहाँ पर रखा हुआ ये खाना पसंद नहीं है क्योंकि हमें तो खुले आकाश में स्वतंत्र निर्जन वन में जो कड़वी नीम की निबोरी है वो खाना पसंद है। अर्थात वो यहाँ पर कह रही है कि जो पराधीनता में अगर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएं, अगर आपको किसी ने बंद कर दिया है कमरे में और आपको वो हर टाइम खाना देता है, पानी देता है, कपड़े देता है, तो क्या आप वहां पर अंदर सालों साल रह लेंगे? नहीं रह सकते। कुछ अपनी मर्जी का नहीं खा सकते, कुछ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, दुनिया नहीं देख सकते, तो ऐसी चीजें किस काम की, ऐसा अच्छा अच्छा भोजन किस काम का? तो अगर उससे तो कहीं अच्छा है कि वो कड़वी निबोरी खाना पसंद करती है, यानी कि पराधीनता में मिला हुआ खाना उसको बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो देखिए पहला काव्यांश यहाँ पर क्लियर होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये काव्यांश समझ आया होगा और साथ ही जो सप्रसंग हमने इसकी व्याख्या की है ये भी आपको पसंद आई होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ।
क्या कहते हैं यहाँ पर कवि, छोटी सी चिड़िया के माध्यम से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले, तरु अर्थात वृक्ष की फुनगी, फुनगी अर्थात जो इस तरह से उस पे छोटी छोटी डालियां निकली होती हैं और उनके झूले, आपने देखा होगा डालियां बहुत कोमल होती हैं और जैसे ही चिड़िया उस पर बैठती है वो लटक जाती है, फिर चिड़िया उठती है, चिड़िया हिलती डुलती है, चिड़िया आगे बढ़ती है, तो वो डाली जो है इस तरह से लटकती रहती है और चिड़िया उसके ऊपर झूलती रहती है। तो क्या कहा है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कवि ने इस कविता को सजाया है। आप देखिए स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण अर्थात सोने की श्रृंखलाएं अर्थात जो उसमें क्या लगी होती है, लड़ियां लगी होती है, कड़ियां लगी होती है, इस तरह से श्रृंखलाएं बनी होती है जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इन्हें कहा गया है स्वर्ण श्रृंखलाएं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, इस स्वर्ण श्रृंखला के अंदर बंद होकर, इस सोने के पिंजरे के अंदर बंद होकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से जैसे मैंने बताया कि चिड़िया के लिए एक उसका उड़ना, उसका स्वतंत्रता से आकाश में उड़ना ही सबसे ज्यादा उसके लिए मैटर करता है, उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि उसको आकाश में उड़ना है। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखलाएं अर्थात सोने के कड़ियों का जो बंधन है उसमें वो कहते हैं अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब उनके लिए ये उड़ना, आकाश में उड़ना इस तरह से खुले आसमान में, वन में तरु के वृक्षों के श्रृंखलाओं पर बैठकर झूला झूलना अब एक सपने जैसा उन्हें लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब उनके लिए एक सपना है। वो जब भी उनकी आंख लगती है उस स्वर्ण श्रृंखलाओं के अंदर तो वो एक ही सपना देखते हैं कि हम तरु की फुनगी पर बैठे हुए हैं, वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं और वहां पर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान तो हमारे दिल में ऐसे थे, अरमान तो हमारे मन में ऐसे थे कि हम उड़ते इस नीले आसमान की, इस नीले नभ की सीमा को पा लेते, इसके क्षितिज को पा लेते, इसके छोर को पा लेते और लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। सुबह का समय होता है जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उषा काल जब होता है, आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें आपको लाल दिखाई देंगी और वो जो लाल किरणें हैं वो क्या कर रही है, जिस तरह से उन लाल किरणों की रोशनी बढ़ते जा रही है उस तरह से आकाश के जो तारे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पक्षी, जैसे देखा होगा ना आपने तोता, उसकी चोंच कैसी होती है, मिट्ठू मिट्ठू और चोंच है मेरी लाल, तो मिट्ठू की चोंच कैसी होती है, लाल होती है और वो क्या करता है, वो दाने चुगता है। तो इसी तरह से चिड़िया कहती है लाल चोंच से अपनी मैं तारे, जो तारे जिस तरह से सूर्य तारों को
चुग लेता है अर्थात वो तारों को अपनी रोशनी से ढक देता है, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं भी अनार के दाने इस तरह से चुग लूं अपनी लाल चोंच से। तो देखिए इसके भाव, इसके शब्दार्थ को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की कड़ियां, बंधन अर्थात बंधा होना, बंद है वो भी स्वर्ण श्रृंखलाओं में, गति, गति अर्थात चाल या उनकी वेग जो है, उनकी तीव्रता जो है कि जिस तीव्रता के साथ, जिस वेग के साथ वो उड़ते थे वो अब भूल चुके हैं, उड़ान अर्थात जो उड़ने की कला है या उड़ने की जो प्रक्रिया है, तरु अर्थात वृक्ष या पेड़, फुनगी, फुनगी अर्थात जो सबसे ऊंची टहनी होती है, जो टहनी का ऊपरी भाग होता है काफी लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, अरमान, अरमान का अर्थ है इच्छा या ख्वाहिश, नभ, नभ अर्थात आकाश, सीमा अर्थात जो आकाश का अंतिम छोर है, चुगना अर्थात एक एक दाना चोंच से उठाकर खा लेना, तारक अर्थात तारों के समान, जिस प्रकार तारों को सूरज अपनी रोशनी से ढक लेता है ऐसा लगता है अपनी लाल चोंच से उसने आकाश के सारे तारों को चुग लिया हो, सारे तारों को खा लिया हो, तो बिल्कुल चिड़िया कहती है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो देखिए हमारा भावार्थ क्लियर हो गया है, कठिन शब्द हमने पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल इसकी भी एक बार हम यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या, बिल्कुल प्रसंग में आपने वही सारी चीजें लिखनी है और आपको इससे क्या होगा कि आपको कवि का नाम भी याद हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रसंग में आप सेम चीजें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम की कविता से ली गई है और इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के, अब देखिए पहले वाली पंक्ति में उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को बताया था, जो पहला वाला काव्यांश था, इस काव्यांश में उन्होंने स्वतंत्रता के कष्टमय जीवन, यानी कि जब परतंत्रता में इंसान जो कष्ट सहता है उन कष्टों से, कितने कष्ट है उनके कष्टमय जीवन से अवगत कराया है अपने। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर, पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता और अपनी उड़ने की कला सब भूल चुके हैं, सब हमें याद नहीं है कुछ भी, पहले हम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर तरु की फुनगी पर के झूले, जो तरु वृक्ष जो है उसकी फुनगी अर्थात टॉप का जो ऊपर का लचीला भाग है उसमें बैठकर झूला झूला करते थे, और अब हमारा तो यह एक सपना ही बनकर रह गया है क्योंकि हम अब इस पिंजरे में बंद हैं, अब हम, हमारे लिए ये सब एक सपना है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे तो ऐसे ऐसे अरमान थे, हमारी तो ऐसी ऐसी इच्छाएं थी कि हम कभी कभी उड़ते उड़ते इतनी दूर चले जाते, इतनी दूर चले जाते कि इस आकाश के इस नभ की सीमा को पा लेते, इस नभ के छोर को पा लेते, इस नभ के चित्र को पा लेते, और जहां यह समाप्त होता है वहां तक हम पहुंच जाते। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से, जिस प्रकार किरणों जैसी ये जो हमारी लाल चोंच है उसी प्रकार हम तारों जैसे, सुंदर सुंदर चमकते तारों जैसे अनार के दानों को चुगेंगे, परंतु इस गुलामी के जीवन में, जो हम इस परतंत्रता के जीवन में, हम ये सब चीजें हमारे लिए सपनों के समान है और इन सब ने हमारे सारे सपने, सारे अरमानों को, क्योंकि हम अब हमारी जो आजादी है, हमारी जो खुशियां हैं, वो सब छिन चुकी है, अब हमारी सारी खुशियां, हमारी आजादी छिन चुकी है, अब तो हम सिर्फ पिंजरे के बंद पंछी बनकर ही, बंदी बनकर ही रह गए हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आज अपनी प्यारी सी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के की दो काव्यांश यहाँ पर पढ़ लिए हैं, एक तीसरा काव्यांश हमारा यहाँ पर शेष है, साथ ही हमारे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे।
तो आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, एक सुंदर से पक्षी का चित्र बनाइए जो पिंजरे को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, और कविता को अपनी अपनी नोटबुक में नोट करें, और बाकी क्या जो हमारा चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।